गाइस चैप्टर 7 के अंदर हम लोगों ने डॉम मैनिपुलेशन के कुछ अच्छे मेथड्स देखे जिससे कि हमारी ज़िंदगी आसान बन जाती है जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम मैनिपुलेशन करते वक्त। अब हम लोग चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन में और इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 7, प्रैक्टिस इट नाउ। सो गाइस अब टाइम आ चुका है चैप्टर 7 के प्रैक्टिस सेट को करने का। मैं जल्दी से एक रैपल बना लेता हूँ यहाँ पर और चैप्टर 7 के प्रैक्टिस सेट को फिर हम सॉल्व करते हैं। तो हमारी रैपल नंबर होगी है 38, क्योंकि हमारा वीडियो नंबर 38 है। क्रिएट पर क्लिक करूँगा, इसके बाद HTML CSS JavaScript, फिर यहाँ पर लिखूँगा 38_chapter7PS और क्रिएट रैपल कर दूँगा। अब देखो यहाँ पर पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है एक नया वर्ब बनाओ, ठीक है, उसके कलर को चेंज करो और फर्स्ट एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट डिजाइन से आपको रेड करना है, ठीक है। चलो भाई बन जाओ जल्दी से रैपलेट। बन गई रैपल। नैव बार बनाऊंगा सबसे पहले, उससे भी पहले नई टैब में खोल लूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा नैव और नैव के बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक li टैग डालेंगे। तो मैं यहाँ पर li लिख के हेलो लिखूँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मान लो होम लिखूँगा और उसके बाद मैं लिखूँगा अबाउट और उसके बाद मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक सिंपल वेबसाइट होती है, उसमें आप इस तरह के नेविगेशंस पाएंगे, ठीक है। और मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली नीचे की तरफ को आएगी, तो मैं इसको डेफिनेटली स्टाइल कर सकता हूँ। अपनी style.css में जाकर मैं कुछ इस तरह की बात कह सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि भाई देखो जो मेरा नैव है उसकी डिस्प्ले को करो फ्लैक्स, ठीक है। नैव की डिस्प्ले को कर दो फ्लैक्स, ठीक है। और ये करने के साथ साथ मैं कह सकता हूँ जो नैव के अंदर का li है उसको कर दो टेक्स्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं होता है, क्या होता है वो, लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। और पैडिंग दे देंगे टॉप बॉटम से 0 और बाकी 23 पिक्सल। सेव किया, रिलोड किया और ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके बैकग्राउंड को सियान भी कर सकता हूँ, सियान, जैसे आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई नैव बार इस तरह से बन गया, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मार्जिन 0, पैडिंग 0, जो है स्टार पे लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। मार्जिन 0, पैडिंग 0 मैं स्टार पे लगाना चाहता हूँ, यानी सारे एलिमेंट्स पर मार्जिन 0, पैडिंग 0। ये करने से क्या होगा, ऊपर को चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि स्पेस आ गई थी, आपने देखा था अभी, वो आना बंद हो जाएगी अब, ठीक है। अब हमें जो काम करना है, काम से काम रखते हैं भाई। देखो कहते हैं ना, काम से काम रखो अपने, वो करते हैं। क्रिएट अ नैव बार एंड चेंज द कलर ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट टू रेड, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट में आऊँगा। बहुत तरीके हैं मेरे पास, मैं कह सकता हूँ डॉक्यूमेंट, और मैं ना सिंगल लाइन में करने की कोशिश करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। मैं कहूँगा मुझे चाहिए नैव, ठीक है, नैव, और मुझे पहला नैव चाहिए, और पहले नैव का मुझे चाहिए डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है, और डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू कर दो इसको रेड, ठीक है। तो मैंने ये बात कह दी, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, अजी की हो गए हो, की हो गए हो, डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड किया, डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड, ये कह रहा है कॉमा एक्सपेक्टेड। भाई कहाँ पे कॉमा एक्सपेक्ट कर रहा है ये, मैंने ये किया, ठीक है, 0 किया, डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड कलर रेड, तो यहाँ पर ये पता नहीं एरर क्यों दिखा रहा है, बट दिस वर्क्स, ठीक है। क्या यहाँ पर भी एरर दिखा रहा है, ब्राउज़र में नहीं, ब्राउज़र में नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये पता नहीं क्यों दिखा रहा है, मैं भी ये थोड़ा अटक गया, रिलोड करके देखता हूँ, शायद ये एरर खत्म हो जाए। चलो जी पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन है क्रिएट अ टेबल विदाउट टी बॉडी, ठीक है, विदाउट टी बॉडी। तो काम से काम रखता हूँ, विदाउट टी बॉडी मैं टेबल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से टेबल डालूंगा, मान लो मैंने यहाँ पर td डाल दिया, हेलो डाल दिया मान लो, ठीक है। और यार मैं यहाँ पर अभी कोई एक ऐसी वेबसाइट तो बना नहीं रहा हूँ जिसको मैं पब्लिश करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, 1, 2, 3, 4 ही लिख देता हूँ, या हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4 लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। सेव किया, रिलोड किया, ये टेबल दिखेगी ऑब्वियसली, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, फिर नीचे हेलो दिख रहा है, हेलो क्यों दिख रहा है, टीडी मैंने लगा रखा है इसलिए। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई व्यू पेज सोर्स करके देखो क्या इसमें टी बॉडी आया। तो देखो व्यू पेज सोर्स मैं करूँगा तो टी बॉडी नहीं आएगा, ठीक है।
लेकिन अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा तो ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली एक टी बॉडी डाल दिया होगा मेरे लिए, दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। टेबल के अंदर टी बॉडी डाल दिया होगा, अब देखो टी बॉडी डाल दिया, हाँ डाल दिया। तो क्वेश्चन पर अगर आऊँ, नाउ यूज व्यू पेज सोर्स बटन टू चेक वेदर इट हैज अ टी बॉडी और नॉट, आंसर इज नो, आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि व्यू पेज सोर्स आपको रॉ सोर्स दिखाता है कि भाई क्या आपने लिखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई गलती भी करूँ तो वो करेक्ट नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखूंगा तो मुझे वो दिखाता है जो कि एक्चुअल में रेंडर किया जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे जो है टी बॉडी को दिखाया जाएगा, क्योंकि टी बॉडी एसेंशियल होती है, ऑटो करेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको चैप्टर 7 में ऑटो करेक्शन के बारे में बता रखा है, तो इसके अराउंड तो सवाल आपके दिमाग में होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि रिटर्न एलिमेंट विद 3 चिल्ड्रेन, नाउ चेंज द कलर ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट टू ग्रीन, ठीक है। तो मैं लेवरेज करने वाला हूँ अपने नैव को, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मुझे ग्रीन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं अपनी स्क्रिप्ट को चेंज करूँगा। मैं कहूँगा कि भाई देखो ये मेरा एलिमेंट है, मैं अब इस एलिमेंट के फर्स्ट चाइल्ड को और लास्ट चाइल्ड को ग्रीन करूँगा, ठीक है। तो मुझे सिंपली फर्स्ट चाइल्ड को ग्रीन करने के लिए तो सिंपली ये करना है, बैकग्राउंड ग्रीन करना है या चाइल्ड को ग्रीन करना है। नाउ चेंज द कलर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट टू ग्रीन, ठीक है। तो कहाँ गए तुम, स्क्रिप्ट। और मैं क्या करूँगा, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है। तो पहले इसका कलर रेड होगा, फिर इमिडिएटली दोनों का ग्रीन कर दिया जाएगा। तो सेव करूँगा मैं, तो मुझे फर्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट्स हैं इसके वो ग्रीन दिखने चाहिए। अगर मैं रीलोड इसको करूँ तो ग्रीन हुआ ये, क्या ये ग्रीन हुआ, नहीं हुआ क्या ग्रीन, देखता हूँ क्यों। ओ यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी इसलिए ग्रीन नहीं हुआ, अब हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ग्रीन हुआ एंड कॉन्टैक्ट भी ग्रीन हो गया, ठीक है, देख रहे हो आप लोग। और शायद आप लोग को दिखे ना ग्रीन, क्योंकि मैंने इसको सियान कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसको बहुत लाइट सा बैकग्राउंड दूंगा, इतना डार्क नहीं दूंगा, सियान जैसे मैंने दे रखा है। और अब आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन, ये ग्रीन, ठीक है। मज़ा आ रहा है, हाँ भाई मज़ा आया, ठीक है मज़ा आया। अब यहाँ पर आप लोग देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड टू चेंज बैकग्राउंड ऑफ ऑल एल आई टैग्स टू सी एन, ठीक है। हमें बैकग्राउंड कलर एल आई का चेंज करना है सी एन में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैं करूँगा यहाँ पर लूप का इस्तेमाल, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जो एल आईज हैं, और आप देखना मैं कौन से लूप का, पुराने लूप का नहीं करूँगा इस्तेमाल, मैं करने वाला हूँ फॉर ईच का इस्तेमाल, देखना। हाँ, एल आई डॉट फॉर ईच, और यहाँ पर एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर देखो किस तरह से मैं इसमें क्या कहते हैं ये करूँगा, क्या कहते हैं एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू रेड। आई थिंक हमको ये करना है ना, एक मिनट यहाँ पर मैं देखता हूँ भाई क्या दिक्कत आ रही है, रेड क्यों हो गया ये, क्या कर रहा है ये, कॉमा एक्सपेक्टेड, पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है ये, बट ये सही है यार अभी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मैं इसको रिलोड करके देखता हूँ क्या मुझे एरर मिल रहा है। फॉर ईच इज़ नॉट अ फंक्शन डॉट एलिमेंट्स, ओ वाओ, एरे डॉट फ्रॉम करना पड़ेगा मेरे भाई, अगर एरे के मेथड्स लगाने हैं तो एरे डॉट फ्रॉम करना पड़ेगा ना, तो अभी चल जाना चाहिए। मैंने इसको सेव किया, रिलोड करूँगा तो वाओ इट वर्क्स, सारे एल आई का बैकग्राउंड ग्रीन हो गया, सॉरी रेड हो गया, ठीक है। रेड ही करना था ना, सी एन करना था भाई, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो यार पांडे जी, आप ध्यान से पढ़ो यार, ऐसे थोड़ी ना होगा। सी एन हो गया, ठीक है, सारे एल आईज का मैंने बैकग्राउंड चेंज करके सी एन कर दिया, बढ़िया, ठीक है। और राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड टू चेंज बैकग्राउंड ऑफ ऑल एल आई, ये हो गया हमारे पास। पांचवा सवाल हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू लुक फॉर द फादेस्ट एंसेस्टर दैट मैचेस अ गिवन सी एस एस सेलेक्ट, इसका आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट में बताओ, मगर क्यों। और इसका आंसर मैं बताता हूँ, बता रहा हूँ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बता रहा हूँ नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि जो मैचेस क्लोजेस्ट और कंटेंस हैं उनमें से कोई भी हमारे पास फार्देस्ट सबसे दूर का एंसेस्टर नहीं बताता है, क्लोजेस्ट बताता है क्लोजेस्ट वाला फंक्शन, लेकिन फार्देस्ट एंसेस्टर कोई नहीं बताता इन तीनों में से, इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ दीज। छठा सवाल है कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, सब लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओ, मजाक कर रहा हूँ। दैट्स ऑल अबाउट दी चैप्टर 7 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट, अगर आप इन लोगों में से नहीं हो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।